हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत और आप देख रहे हैं डिफेंस स्टडी चैनल। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडियन ऑयल, यानी इंडियन ऑयल की जो कंपनी है उसने अप्रेंटिस के लिए कुछ पद के लिए नोटिफिकेशन जारी की है, जो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें आपके लिए जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 15,000 से स्टार्टिंग होगा और इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इसकी जो मिनिमम एज होगी वो 15 साल से होगी, मैक्सिमम कुछ अभी बताया नहीं गया। ठीक है, तो इंडियन ऑयल के बारे में जानने के लिए तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, इंडियन ऑयल। ठीक है, इंडियन ऑयल ने जो रिक्रूटमेंट जारी की है 2020 की है, जो बहुत ही अच्छी पद है, जिसके लिए ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, तो IOCL ट्रेड अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पोस्ट का जो नेम होगा वो होगा अप्रेंटिस टेक्नीशियन एंड ट्रेड के लिए। ठीक है, इसमें जो स्टार्टिंग डेट होगी आपकी 13 जनवरी है और लास्ट डेट होगी 27 जनवरी 2020। एडमिट कार्ड जो अभी सून है और इसका जो टेंटेटिव एग्जाम डेट 9 फरवरी, यानी 9 फरवरी की जो मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो आपको कोई भी जीरो है, यानी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जो आपका जॉब लोकेशन है, जॉब लोकेशन आपका तमिलनाडु, पांडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है, जो मिनिमम एज है इसकी 18 साल है, मैक्सिमम 24 साल है और जो एज रिलेक्शन अपर लिमिट है वो SST के लिए 29 साल है। ठीक है, और OBC के लिए ये है 27 साल। इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो नंबर ऑफ पोस्ट आपके लिए 248 पोस्ट हैं, जो बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैकेंसी डिटेल्स है, वैकेंसी डिटेल में आपको टेक्नीशियन एंड ट्रेड के लिए होगी। इसमें जो रीजन एंड पोस्ट होगी, तमिलनाडु और पांडुचेरी के लिए 121 पोस्ट हैं, 121 पोस्ट तमिलनाडु और पांडुचेरी के लिए, जिसमें से जनरल के लिए 60 पोस्ट, EWS के लिए 6 पोस्ट, OBC के लिए 32 पोस्ट और ST के लिए 1 और SC के लिए 22 पोस्ट हैं। ठीक है, कर्नाटका में आप इसके लिए 78 पोस्ट हैं और जनरल, जिसमें जनरल के लिए 36, EWS के लिए 4, OBC के लिए 21, ST के लिए 5 और SC के लिए 12 पोस्ट हैं। और इनमें से तेलंगाना के लिए आपके लिए 22 पोस्ट हैं, जो तेलंगाना में जनरल के लिए 12 पोस्ट हैं, EWS के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 5 पोस्ट हैं, ST के लिए 1 पोस्ट, SC के लिए 3 पोस्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसके लिए 26 पोस्ट हैं, इनमें से जनरल 14 है, EWS 1 पोस्ट है, OBC के लिए आपकी 7 पोस्ट है, ST के लिए 1 है और SC के लिए 4 पोस्ट है। इसकी जो पे स्केल के बारे में, अप्रेंटिस जो एक्ट होता है 1961 के तहत, इसकी जो अप्रेंटिस के लिए जो सैलरी मिलेगी वो स्टार्टिंग 15,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है। इसमें आपके लिए रूम फ्री रहता है, खाना फ्री रहता है, अप्रेंटिसशिप होती है। ठीक है, इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, एजुकेशन जो इसके ट्रेड के हिसाब से होता है, जिसमें फिटर के लिए आपके लिए 10th होना चाहिए प्लस 2 साल का ITI, यानी फिटर कोर्स से आपको 2 साल का ITI होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आपके लिए ट्रेड अप्रेंटिस में जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके लिए 10th पास होना चाहिए प्लस 2 साल का जो ITI है जो इलेक्ट्रीशियन के साथ होना अनिवार्य, वो किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको ITI होना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी आपका 10th पास होना चाहिए, ITI 2 साल का होना चाहिए, वो भी किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, ये मान्य है। ठीक है, दूसरा जो है आपका ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट में आपको भी 10th पास और 2 साल का ITI। इसके बाद जो मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट में भी आपका 10th पास और 2 साल का ITI होना अनिवार्य है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। आप इसको अप्लाई फ़ोन से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा, ITI या फिर ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट आपके पास है वो होना चाहिए। इसके बाद आपका पैन कार्ड लगेगा या आधार कार्ड, यानी पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपको 2 में से 1 लगेगा। ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल साइट है IOCL की, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो ऑफिशियल साइट है, उसमें आपको जाके इसका अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन होगा वो उस मेरिट के बाद आपका रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू होगा और आसानी से इसकी आपको जॉब मिल जाएगी। तो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके करें शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल डिफेंस स्टडी। तो मिलते हैं आप सभी को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।